आज का वरदान अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। जिस पर जैसा हम बीज डालते हैं, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। मैं आत्मा भी इस कर्म क्षेत्र पर अपने हर संकल्प द्वारा बीज बो रही हूँ। चेक करें अंतरात्मा की सूक्ष्म शक्ति मन में उत्पन्न होने वाले संकल्पों को क्या मैं सदा सभी के प्रति शुभ और श्रेष्ठ सोचती हूँ? कोई विकल्प या किसी के कर्म का प्रभाव मेरे संकल्पों की क्वालिटी को शक्ति को कम तो नहीं करता? गहराई से चेक करें क्या मैं हर समय श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण ही संकल्प उत्पन्न करती हूँ? अटेंशन दे मनसा की विशेष धारणाओं पर। निर्व्यर्थ निर्विकल्प निर्विकारी निरहंकारी निराकारी स्थिति पर माया के किसी भी रूप का थोड़ा भी प्रभाव मेरे संकल्पों को कमजोर कर सकता है? इसलिए मैं हमेशा अपने संकल्पों पर
अटेंशन रखती हो। क्योंकि यही वो सूक्ष्म और शक्तिशाली कर्म है तो सर्व सिद्धियों का आधार है। महसूस करें अपने संकल्पों के महत्व को। और देखें मेरे संकल्पों को शक्तिशाली बनाने माया के हर सूक्ष्म प्रहार से बचाने खुद बाबा मीठा बाबा शिव बाबा अपनी सर्वशक्तियों से शांति के किरणों से मेरे मन को संपूर्ण शांत संकल्पों को पवित्र बना रहे हैं। मन अब एक बाबा की याद में उनके प्यार में एकाग्र हो गया है। हर संकल्प इतना शक्तिशाली समर्थ बन गया है जो सोचने से पहले ही सिद्ध हो जाता है। मेरे मन की शुभ भावनाएं मेरी अपनी और अन्य आत्माओं की सर्व पवित्र कामनाओं को पूर्ण कर रही है। मेरी आंतरिक निस्वार्थ भावना विकारों से मुक्त स्थिति मेरे हर कर्म में भी सिद्धि प्राप्त करा रही है। वाणी को वरदानी बना रही है। देखे सत्य स्वरूप में आते अपने हर बोल की शक्ति को अब कोई व्यर्थ भावना नहीं व्यर्थ संकल्प नहीं व्यर्थ कर्म नहीं क्योंकि खुद बिगड़ी को बनाने वाला सर्वसमर्थ शिव बाबा
हर संकल्प में मेरे साथ है। महसूस करें हर पल प्राप्त होती सफलता के इस सर्वोत्तम फल को, अपनी सिद्धि स्वरूप स्थिति को। ओम शांति।